शिक्षा मंत्रालय ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा आयोजित कराए गए यूजीसी नेट परीक्षा को रद्द करने का ऐलान कर दिया है। परीक्षा आयोजित होने के एक दिन बाद ही सरकार ने परीक्षा रद्द करने का ऐलान कर सभी को चौंका दिया। एनटीए द्वारा कराई जाने वाली नीट की मेडिकल एंट्रेंस परीक्षा भी सवालों के घेरे में है और फिलहाल सुप्रीम कोर्ट इसकी समीक्षा कर रहा है। अब यूजीसी नेट की परीक्षा रद्द होने से गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। गौरतलब है कि एनटीए ने इस बार ऑफलाइन तरीके से ओएमआर शीट पर परीक्षा कराई। देश भर में 317 केंद्रों पर 11.21 लाख छात्रों ने परीक्षा दी थी। हालांकि परीक्षा रद्द होने के बाद अब पूरी कवायद फिर से होगी। वहीं अब इसको लेकर तमाम राजनेताओं की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको सुनवाते हैं। मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि पूरी तरीके से ये भाजपा की सरकार में, चाहे प्रदेश की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो, हर जगह पेपर लीक हो रहा है। प्रदेश में भी 19 परीक्षाओं के पेपर लीक हुए हैं और अभी तक जांच चल रही है, कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं। और इसकी आप देखेंगे पुलिस की भर्ती की का जो ये निकला था अभी परीक्षा का जो पूरा एग्जाम कराया, उसके भी पेपर कहाँ से लीक हुए? गुजरात से हुए, उसमें पूरी गुजराती लॉबी लगी है। अभी आप देखेंगे इस वाले में भी, आप देखेंगे अंदर खाने में जांच चलेगी। और ये सिटिंग, मैं समझता हूँ कि सिटिंग हाईकोर्ट या माननीय सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश से जाँच कराई जाए तो इसमें ज़्यादा इफेक्टिव होगा सीबीआई से जांच कराने की अपेक्षा, सिटिंग जज से जांच कराएं। और मैं समझता हूं कि इसमें भी आप देखेंगे तो गुजरात की ही लॉबी आएगी, क्योंकि यही लोग पूरी तरीके से परीक्षाओं का सारे पेपर सारे छप रहे हैं और सारी चीज़ें यही लोग कर रहे हैं आउटसोर्सिंग के माध्यम से। और आप देखेंगे अभी गुजरात में जहां नीट की परीक्षा के बोर्ड जहां पे सेंटर्स पड़े हैं वहां का रिजल्ट देख लीजिए, सभी टॉप किए हैं बच्चे। गोधरा का मेरे जानकारी में आया कि वहां के कई बच्चों ने टॉप किया है। क्या कारण है इसका? मतलब कहीं ना कहीं दाल में काला है या पूरी दाल काली है। तो इसकी सिटिंग जैसे जांच हो और जो भी अभी तक ये इनके एग्जाम्स हुए हैं उसकी निश्चित तौर से सिटिंग हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जज से जांच कराई जाए, जिससे कि ये न्याय कम से कम न्याय हो और सब लोगों को विश्वास जगे। तो सरकार की अच्छी पहल है और जो सीबीआई जांच सौंपी गई है, जो दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। देखिये, मैं समझता हूँ किसी भी छात्र के प्रयास के प्रति कोई साजिश न हो, उसके परीक्षा में कोई खिलवाड़ न हो, निष्पक्षता के साथ परीक्षा का परिणाम आए, ये प्रयास सरकार का रहता है। जैसे ही परीक्षा में गड़बड़ियों की प्राइमा फेसी कुछ रिपोर्ट या आशंका मिली, तत्काल उसको रद्द करने का निर्णय लिया गया। और रद्द ही नहीं करने का निर्णय लग गया, रद्द के साथ साथ उसकी सीबीआई जांच कराने का निर्णय लेने का काम किया गया है। सरकार यदि कुछ करेगी तब भी उंगली आप उठाएंगे, नहीं करेगी तो उसकी मांग करेंगे, जैसा नीट की परीक्षा पे कर रहे हैं। तो ये दोनों काम नहीं चलने वाले हैं। लेकिन फिर भी हमारी सरकारें, चाहे प्रदेश की हमारी सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, निष्पक्ष पारदर्शी गुणवत्ता और ईमानदारी के साथ परीक्षा कराने के लिए कटिबद्ध है। और ऐसे गैंग और ऐसे लोग जो कहीं न कहीं इन परीक्षाओं को प्रभावित करने का, गड़बड़ियां फैलाने का प्रयास करते हैं, उनके खिलाफ भी कठोरतम कार्रवाई हो, इस तरह के कानून बनाने पर विचार कर रही है। तो वहीं इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ संवाददाता शुभ सेठ हमारे साथ जुड़ गए हैं। शुभ, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि जो एग्जाम्स हो रहे हैं लगातार उसमें गड़बड़ी होती हुई नजर आ रही है, नीट परीक्षा को लेकर भी सवाल खड़े हुए, उसके बाद अब यूजीसी नेट का एग्जाम हुआ उसको भी रद्द कर दिया गया है, किस तरीके की प्रतिक्रियाएं लोगों की देखने को मिल रही है? जी बिल्कुल आकांक्षा जी, अगर बात करें 18 जून को जिस तरह से पेपर हुआ था, उसके अगले दिन 19 जून को जो सामने आया है कि जिस तरह से धांधली इस पेपर में जो हुई है यूजीसी के नेट परीक्षा में लीक को लेकर, लगातार जो है गृह मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय अब इस पे कार्रवाई करने के लिए साइबर क्राइम की तरफ बढ़ चुका है, उनको आदेश दे जाएगा जिस तरह से परीक्षाओं में गड़बड़ी हो रही है इसको लेकर सख्त कार्रवाई की जाए। वहीं शुभ, अगर बात करें तो अब ये जांच सीबीआई के हाथों में है, क्या लगता है कितनी जल्दी फैसला हो सकता है और अगले पेपर की डेट कब तक लोगों के लिए जारी की जा सकती है? जी बिल्कुल, अगर बात करें तो अभी तक इस पर कोई भी फैसला नहीं आया है कि कब तक पेपर कराया जाएगा या फिर कब तक इस पर कार्रवाई चली जाएगी। देखना यह रहेगा कि कितनी जल्दी इस पर सरकार जो है फैसला लेती है और क्या कुछ नतीजे से निकल के सरकार की तरफ से सामने आएंगे कि कब तक जो है एग्जाम को दोबारा कराया जाए।
वहीं शुभ अगर बात करें तो इस तरीके की जब गड़बड़ी पेपर में देखने को मिलती है, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होता हुआ नजर आता है, तो कहीं ना कहीं विपक्ष भी बहुत एक्टिव मोड में आ जाता है। और इस दरमियान देखा जा रहा है कि विपक्ष भी केंद्र सरकार पर लगातार निशाना साधता हुआ नजर आ रहा है। क्या लग रहा है, किस तरीके की विपक्ष की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है? जी बिल्कुल, अगर बात करें तो विपक्ष जो है लगातार केंद्र सरकार पर हमलावर है। वो लगातार नीट परीक्षा की बात करें, चाहे या यूजीसी की बात करें, वो लगातार बीच जाम की मांग कर रहे हैं, लगातार सड़कों पर उतर के प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, शुभ सेठ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।